जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारे पास में सीटी होता है उस सीटी का जो रेशियो होगा उतना ही रेशियो का हमें अमीटर इस्तेमाल करना पड़ेगा यदि हमें इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करना है तो लेकिन यदि आपके सामने ऐसा कंडीशन आ जाता है कि जो आपके पास में सीटी है उसका रेशियो अलग है और जो आपके पास में अमीटर है उसका रेशियो अलग है तो उस कंडीशन में आप किस प्रकार से इस अमीटर को इस सीटी के साथ में कनेक्ट करोगे यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा चलिए कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं अभी मेरे पास में सी एन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया सिटी और एक अमीटर है अब यहां पे जो मेरा सिटी है इस सिटी का रेशियो यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा प्राइमरी एम्पियर और सेकेंडरी फाइव एम्पियर यानी कि इस सिटी का रेशियो हमारा है सिक्सटी बाई फाइव ओके ये हो गया रेशियो हमारा सिटी का इसके बाद जो मेरे पास में अमीटर है इस अमीटर में यदि आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा 150 फिफ्टी बाई फाइव यानी कि इस अमीटर का रेशियो है 150 फिफ्टी बाई फाइव ओके ये हो गया हमारा अमीटर का यानी कि इन दोनों का रेशियो डिफरेंट डिफरेंट है अब यहाँ पे यदि हमें इस अमीटर को इस सीटी के साथ में कनेक्ट करना है तो इस कंडीशन में इस अमीटर का जो स्केल है उस स्केल का जो पैरामीटर है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा यदि आपका अमीटर सिटी के साथ में कनेक्ट होने वाला अमीटर है तो उस कंडीशन में इसका जो स्केलिंग है उस स्केलिंग को आप चेंज कर सकते हो लेकिन यहां पे रिस्केलिंग करने से पहले आपको एक बात का ध्यान ये देना है कि जो आपका सिटी है इस सीटी का जो रेशियो है वो आउटपुट में फाइव है और जो आपका अमीटर इसका भी जो सेकेंडरी रेशियो है वो है फाइव यानी कि सेकेंडरी इसका सेम टू सेम होना चाहिए देखिए जो हमारा सिटी होता है सिटी का रेशियो दो टाइप से आपको मिलता है यानी कि रेशियो उसके बाद आपको फाइव मिल जाएगा या फिर आपको वन मिलेगा यदि आपके सीटी का रेशियो आउटपुट में फाइव है तो अमीटर का भी फाइव होना चाहिए वन नहीं होना चाहिए ओके तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सीटी का आउटपुट रेशियो फाइव है अमीटर का भी आउटपुट रेशियो फाइव है यानी कि इस अमीटर का स्केलिंग हम कर सकते हैं अब स्केलिंग कैसे करना है समझिए देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि जो आपका अमीटर है इस अमीटर का ऊपर का जो कवर है इसको ओपन करना पड़ेगा तो मैं यहां पे क्या करता हूं कि इसका जो कवर है उसको ओपन कर लेता हूँ ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे साइड में थोड़ा ऑप्शन मिल जाएगा तो आप इसको आराम से ओपन कर दीजिएगा ठीक है मैंने इस कवर को ओपन कर दिया ओके ये हमारा ओपन हो गया अब यहाँ पे आपको एक कांच मिलेगा तो इसको ऐसे उल्टा करके इसको निकाल दीजिए देखिए ये हमारा कांच आ गया साथ ही साथ में जो हमारा जीरो एडजस्टमेंट वाला नोब है वो भी निकल के आ गया ओके अब ये जो स्केल है इस स्केल को हमें बाहर निकालना है तो बाहर निकालने के लिए आप देखोगे साइड में आपको इस टाइप का एक कवर मिलेगा इस कवर को आप रिमूव कर दीजिएगा इस टाइप से यहां से रिमूव करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्केल को बाहर निकालने के लिए तो सिंपली आप स्केल को थोड़ा सा ऊपर में स्लाइड कर दीजिएगा तो स्केल आपका बाहर में निकल के आ जाएगा तो हमारा जो अमीटर था इसका स्केल हमने बाहर निकाल के ला दिए ओके अब इसके बाद में यहां पे जो वैल्यू लिखा हुआ है इस वैल्यू को हमें चेंज करना है हमारे सीटी के रेशियो के अनुसार कैसे चेंज करेंगे समझ लीजिए ये जो मेरे पास में स्केल है इसको मैं खराब नहीं करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे इसका प्रिंट आउट निकाल लिया हूं इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा ओके तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हमारा हाइएस्ट रेंज है 150 यानी कि जो हमारा पहले सिटी का रेशियो था वो 150 फिफ्टी बाई फाइव था तो इस 150 के जगह पे हमें हमारे सिटी का रेशियो लिखना है अभी जो हमारे पास में सिटी है इसका रेशियो है सिक्सटी तो इस वन के जगह पर हम लिख देंगे सिक्सटी यानी कि जो हमारा पॉइंटर है वो पॉइंटर यदि यहाँ पे आता है तो हम 150 के जगह पे ये समझेंगे कि 60 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ओके अब इसके बाद इसके नीचे का जो स्केल है इसको चेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कैलकुलेशन क्या करना है समझिए तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो लाइन है इस लाइन को काउंट करना है कि कितने लाइन हैं जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल तीन टाइप के लाइन हैं एक सबसे बड़ा एक मीडियम और एक छोटा जो मीडियम वाली लाइन है वो लाइन हमारा फाइव काउंटिंग पे जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव यानी कि हर एक फाइव काउंट पे एक मीडियम वाली लाइन को बनाया गया है तो यहाँ पे सबसे पहला लाइन हमारा मीडियम वाली है तो इसको हम फाइव काउंट करेंगे यानी कि इसके पहले चार लाइन और हैं ओके तो ये हो गया फाइव ये सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहाँ तक टोटल टेन लाइन है इसके बाद इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एट्टीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी पे आ गया हंड्रेड एम्पियर इसी प्रकार से यहाँ पे जाओगे तो टोटल थर्टी हो जाएगा यानी कि कुल मिला के आपका जो लाइन है वो टोटल है थर्टी ओके अब यहाँ पे जो हमने रेशियो लिखे वो लिखे सिक्सटी यानी कि जो हमारा सिटी है इस सिटी का रेशियो है सिक्सटी बाई फाइव तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्सटी डिवाइडेड बाई थर्टी अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा टू यानी कि जो एक लाइन है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर यदि अब मिटे जाता है तो दो एमपियर का करंट का डिफरेंस आ जाएगा यानी कि टू एमपियर का बन जाएगा ओके तो इस कंडीशन में हमें टू एमपियर के अनुसार ही स्केलिंग करना है तो ये मीडियम वाला लाइन हमारा फाइव काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो फाइव को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टू से टू से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एक स्केल है वो टू एमपियर का है तो फाइव इंटू टू इक्वल टू टेन यानी कि ये वाला जो लाइन है वो लाइन हमारा दस एम्पियर का बन जाएगा तो मैं यहाँ पे 10 एम्पियर लिख सकता हूँ ओके इसके बाद ये जो 50 है इसका स्केलिंग है 10 पे यानी कि लाइन येरी हम काउंट करते हैं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा तो इसको हम कट करेंगे उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 20 यानी कि यहां पे अब हमारा 20 एम्पियर करंट शो होगा ओके इसके बाद ये वाला जो लाइन है वो 15 नंबर पे है तो हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टीन इंटू टू तो आंसर आ जाएगा थर्टी तो ये हो गया हमारा थर्टी एम्पियर इसके बाद यहाँ पे ट्वेंटी हो जाएगा तो ट्वेंटी इंटू टू हो जाएगा हमारा फोर्टी अब यहाँ पर आ जाएगा फिफ्टी और यहाँ पे सिक्सटी यानी कि ये जो अब अमीटर है इस अमीटर का रेशियो हमारा हो गया है सिक्सटी बाई फाइव एम्पियर का ओके सिक्सटी बाई फाइव एम्पियर के अनुसार अब हमारा अमीटर करंट को शो करेगा ओके इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम वाला नंबर है इसको भी हम चेंज कर देते हैं इसको चेंज करने के लिए आपको काउंट करना होगा कि यहाँ तक कितना लाइन आ रही है यहां तक काउंटिंग हमारा थर्टी हुआ था और यहाँ से यहां तक जाने में काउंटिंग हमारा थर्टी और एड हो जाएगा यानी कि थर्टी प्लस थर्टी काउंटिंग करेंगे तो टोटल सिक्सटी काउंटिंग आ जाएगा अब यहाँ पे सिक्सटी जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो आंसर आ जाएगा वन ट्वेंटी यानी कि ये जो थ्री हंड्रेड था इसका हो जाएगा आंसर 120 यानी कि यहाँ पे यदि हमारा करता है तो उसका मतलब 120 लिखना होगा ठीक है इसको लिखने के बाद आप दोबारा से इसको वापस लगा लगाना है, आप जिस टाइप से निकाले थे उसी के रिवर्स में लगा दीजिए यानी कि इसको नीचे लेके जाइए स्लाइड कर दीजिए अंदर रख दीजिए ओके उसके बाद आपका जो ये ग्लास है इस ग्लास को सावधानी से लगाइएगा आपका जो ग्लास का यहाँ पे एक नोब रहता है जीरो एडजस्टमेंट करने के लिए तो इसको आप यहाँ पे माउंट करते हुए लगाइएगा आराम से इसको लगाइए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो हमारा साइड कवर है इस कवर को लगा दीजिए मैं यहां पे इसको भी लगा देता हूं इस कवर को लगाने के बाद इस ग्लास के ऊपर का जो कवर है उसको भी आप लगा दीजिएगा तो हमने इस अमीटर के ग्लास को लगा दिया अच्छा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कवर था इसको हम डायरेक्टली रिमूव कर सकते थे बिना ग्लास को खोले किसी किसी अमीटर में इसको खोलना ही पड़ता है यदि खोलना पड़े तो आप खोल लीजिएगा मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको निकाल सकते हो देखिए मैं यहाँ से इसको निकाल सकता हूँ ठीक है तो आप इसको डायरेक्टली भी रिमूव करके चेंज कर सकते हो तो आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम डिफरेंट अमीटर रेशियो को एक डिफरेंट सिटी रेशियो के साथ में कनेक्ट करेंगे